गरुड़ विकास खंड के वजूला क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं होने से जिला पंचायत सदस्य इंदिरा परिहार ने नाराजगी व्यक्त की है। बीते 2 माह से धरने में बैठी जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन विभागीय अधिकारी स्वीकृत सड़कों पर भी कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य इंदिरा परिहार ने बताया कि उन्होंने वन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि यदि सड़कों का निर्माण नहीं किया गया तो क्षेत्रीय जनता आंदोलन करेगी। यहाँ जिला पंचायत भवन में हमें धरना देते हुए कम से कम 72 दिन हो गए हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं या अन्य जो जनप्रति सभी को अनेकों समस्याएं हैं या क्षेत्रों से फ़ोन आते हैं कि मैडम हमारे वहाँ ये समस्या है और ये समस्या है। और जितने दिन मैं आज तक यहाँ आंदोलन में बैठ चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा जो फ़ोन आए हैं हमारे लिए जो समाधान के लिए जो कार्य हमारे पास आए हैं वो हैं सड़कों के मामले के। जो रोड जो इन लोगों ने मतलब जो शासन द्वारा घोषणाएँ की जाती हैं और प्रशासन द्वारा जो इसमें पूरा संज्ञान में लिया जाता है, तो ये मुझे लगता है कि लोगों की समस्याएं इन सड़कों से ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। आप देखिए जैसे कि पहिया टू डाबू हड़ाप रोड सैद्धांतिक स्वीकृति इन्हें मिल चुकी है इस सड़क को, तो अभी भी यहाँ पर कोई वो नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि से मेरा ये सवाल है, क्या ये चुनाव के लिए ये रोक रखा है आपने? क्या आपने ये क्रेडिट लेने के लिए रोक रखा है? सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बावजूद भी ये काम पूरे नहीं हो रहे हैं, सड़कें बन नहीं रही है, क्या कारण है इसका? ये मतलब एक गुमराह करने की, जनता को गुमराह करने का जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और अन्य सड़कें जैसे कि मनिया भ्यो भनार गुमची की एक सड़क है, लमचूरा टू गनीगांव वाली सड़क है, अमसारी टू बूंगा वाली सड़क है और जेखड़ा टू दुदलाधार वाली सड़क है। इन सड़कों के लिए मतलब जनप्रतिनिधि बिल्कुल अनसुने हो गए हैं। क्या उसी समय जिस समय जनप्रतिनिधियों को वोट चाहिए होगा, जब इनके चुनाव प्रचार के लिए ये जो लोग वहाँ आएंगे, तब जाके अपने क्रेडिट लेने के लिए ये सड़कें बनवाएंगे? अब मैं आपको आज ही की बात बताती हूँ। मैंने आज DFO साहब को भी फ़ोन किया था और उनका कहना था कि मैं संज्ञान लूँगा, क्योंकि वहाँ से अभी पैसा नहीं आया हुआ है PWD से। अब PWD वालों से मैंने फ़ोन किया, जो उनके उच्च अधिकारी हैं उन्हें फ़ोन किया, तो उनका कहना है कि उन्होंने डिमांड लेटर नहीं दिया है, जो वहाँ से आता है वन विभाग से जो डिमांड लेटर आता है उन्होंने नहीं दिया है। मतलब क्या मतलब है इसका? क्यों एक जनप्रतिनिधि को ऐसे गुमराह किया जा रहा है? जब एक जनप्रतिनिधि को ऐसे गुमराह ये लोग कर रहे हैं तो क्या जनता का क्या हाल होता होगा? आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या एक जनप्रतिनिधि का फ़ोन उठाना भी ये मुनासिब नहीं समझते हैं ये लोग? मैं इन अधिकारियों से भी कहना चाहती हूँ, और हमारे क्षेत्र के लोग तो जनआंदोलन करने के लिए तैयार हैं इन रोडों के मामले में, क्योंकि भारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। एक तो आपदा का समय था, उस टाइम भी उनको भारी उसका सामना करना पड़ा, न खाद्य आपूर्ति हो पाई वहाँ लोगों के बीच में। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।